एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल राजस्थान एग्जाम मित्रा के अंदर। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। बार बार जो है वो हमारे पास आप सब दोस्तों के, बहुत सारे मित्रों के कॉल आ रहे हैं और उनको एक ही कंफ्यूजन हो रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने जो है वो हमें जो मौका दिया कि हम जो है आपकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सके, और आपने जो हम पे विश्वास जताया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद कि आप जो है वो हम पर विश्वास जताते हैं और हमारे पास आपकी जो भी इंक्वायरी होती है वो आप हमें भेजते हैं, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो या फिर आप कॉल करके पूछते हो या व्हाट्सएप के जरिए पूछते हो। तो इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप लोग जो है वो हम पे विश्वास जताते हैं। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका विश्वास और आपका जो है वो स्नेह ही चाहिए। और इसीलिए यही मकसद जो है वो हमारे चैनल का था कि हम जो है वो किसी भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी अपने राजस्थान का कोई भी दोस्त जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है, कोई भी भाई बहन अपनी तैयारी कर रहा है, तो हम जो है उसकी किसी न किसी माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी हमसे हो सके वो उसकी सहायता कर सकते हैं। तो आपकी काफी इंक्वायरी आ रही थी तो सोचा कि एक एक को ऐसे कॉल करके आपको जानकारी दें, इससे अच्छा तो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो सभी लोग जो इस कंफ्यूजन में हैं, तो कंफ्यूजन क्या थी, कंफ्यूजन ये थी कि राजस्थान के अंदर एक भर्ती आई हुई है, वो है एएसओ की भर्ती आई हुई है, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की जो भर्ती आई हुई है, उसके अंदर जो कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कौन ऐसा है जो इसके लिए अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है उन्होंने पूर्ण कर रखी है या कौन अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें बहुत से मेरे दोस्तों को जो है वो कन्फ्यूजन है। तो इसी मामले में जो है वो बहुत सारी इंक्वायरी आती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए एएसओ की जो भर्ती है वो दो भर्ती अभी जो है वो आरपीएससी ने दो भर्ती निकाल रखी है। एक तो कृषि विभाग के अंदर भी एएसओ की पोस्ट है और दूसरी जो है वो आपकी जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंदर है, आयोजना विभाग के अंदर है एएसओ की भर्ती। तो सबसे पहले अभी देखिए क्या हो रहा है, अब ये वो दौर है जहां पर क्या है, भर्तियों की क्या आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, भर्तियों की बारिश हो रही है मूसलाधार, और राजस्थान जो है वो भर्तियों के मामले में जो है वो चेरापूंजी बना हुआ है। तो अभी क्या है कि मेरे बहुत सारे भाइयों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करे और कौन सा फॉर्म अप्लाई नहीं करे, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो के अंदर बात कर लेंगे अगर आप चाहोगे तो। लेकिन अभी केवल हम बात करेंगे ये आपका जो एएसओ की है उसके बारे में, एएसओ जो कृषि विभाग के अंदर है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको, और जो आयोजना विभाग के अंदर है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मेरे सामने ही आपके पास भी ये जो इसका नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वो आपके पास सबके पास है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो कोई मतलब की बात है नहीं। बात मुद्दे की है कि कौन ऐसे हैं जो इसके अंदर जो अपना फॉर्म को जो हो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो पोस्ट है वो 201 पोस्ट है और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर जो इसका आयोजन करेगा, और ये भर्ती आयोजना विभाग के अंदर है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश के अंदर शॉर्ट में इसको एएसओ कहते हैं, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर भी इसको जो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अब देखिए क्या है कि इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता है इसके अंदर चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में जो है सबसे ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट अभी हो रहा है बच्चों के अंदर, जो इसके लिए कि मैं इसके लिए योग्य हूं या नहीं हूं। देखिए इसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन होने का कारण क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा विस्तृत तरीके से जो है वो शैक्षणिक योग्यता है, तो अब कंफ्यूजन ये है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। देखिए इसके बारे में सब दोस्त जो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी जो ये समस्या है उसका हल आपको मिल सके। देखिए शैक्षणिक योग्यता की ही बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, बाकी हम कोई बात इसके अंदर नहीं करेंगे। तो देखिए चलते हैं इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है इसको इसने क्या कर रखा है, चार तीन भागों में बांट रखा है, वो जो पहला भाग है शैक्षणिक योग्यता का उसको उसने दो भागों में बांट रखा है। तो ये जो शैक्षणिक योग्यता का जो पहला टॉपिक पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता इसके अंदर उसको इसने दो भागों में बांट रखा है, तो इसी के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो इसके अंदर लिख रखा है जो कि कंपल्सरी है ये योग्यता आपको होनी चाहिए, इसके अंदर दूसरा है वो भी आपके पास योग्यता होनी चाहिए,
तो सबसे पहली योग्यता आपके पास ये होनी चाहिए कि एट लास्ट एट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। ठीक है, समझिए, हिंदी में देख लेते हैं। आपके पास जो है वो सेकंड क्लास के अंदर यानी सेकंड डिवीजन के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री सब आप जानते हैं। मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए? या तो आपके पास मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, या आप स्टेटिक्स के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपकी कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए। इन चार सब्जेक्ट के अंदर आपके पास अगर कोई भी मास्टर डिग्री है, अब मास्टर डिग्री आपको पता है 2 साल की होती है कम से कम, तो इन चार सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए, चार में से कोई भी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, स्टेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या कॉमर्स हो। इन चारों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में भी आपके पास अगर मास्टर डिग्री है, वो भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपकी वो उसका जो रिजल्ट है वो आपका सेकंड डिवीजन तो होना चाहिए। अगर आपका सेकंड डिवीजन से कम है या थर्ड डिवीजन है तो आप जो है इसके लिए अन एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहली बात, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री किन किन सब्जेक्टों में से हो सकती है? तो मैथमेटिक्स हो सकती है, स्टेटिक्स हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है या कॉमर्स हो सकती है। इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी के अंदर और करके लिखा हुआ है, मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ द अबो सब्जेक्ट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्टेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय लॉ ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो पहला टॉपिक है, पहली जो बात है, एक नंबर जो है उसी के अंदर क्या है, पहला तो होगा कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स के अंदर, और सेकेंड डिविजन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कोई भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार, भारत सरकार के लॉ के अनुसार कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि 1 ईयर का डिप्लोमा करवाती है, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी हो गई, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि 1 ईयर का आपको स्टेटिक्स के अंदर जो है वो एक डिप्लोमा देती है। तो उसमें से कोई भी अगर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है, किसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका? स्टेटिक्स। स्टेटिक्स के अंदर आपके पास अगर कोई भी 1 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली टॉपिक की बात करें, एक नंबर जो पॉइंट है वो हो गया कि या तो आपके पास सेकंड डिवीजन से पास हुआ कोई भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट रहा हो, या तो मैथमेटिक्स या स्टेटिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, या फिर आपके पास कोई भी 1 ईयर का, कोई भी यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट हो या सरकारी का, 1 ईयर का स्टेटिक्स के अंदर आपका कोई भी डिप्लोमा हो, तो ये योग्यता तो आपको चाहिए। इसके बाद देखिए, दो नंबर जो पॉइंट आता है, देखिए दोनों ही योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास ये होना चाहिए कि ओ और हाई लेवल सर्टिफिकेट होना कोर्स इन DOECC के अंदर अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास अगर कोर्स है DOECC तो भी आपका चलेगा, या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा, या सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर का कोई भी, जैसे NIE LIT कोर्स होना चाहिए जो कि न्यू दिल्ली के अंदर किया जाता है, या कंप्यूटर के अंदर एक कोर्स करवाया जाता है कोपा नाम से, COPA, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, ये है तो भी आप फॉर्म कर सकते हैं। ऊपर वाले तो आपके पास एक नंबर होना चाहिए, इसके अलावा दो नंबर में बहुत सारे और लिख रखे, इन औरों में से कोई भी एक आपके पास है, यानी 1 और 2 दोनों में से एक एक आपके पास योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास कंप्यूटर का जो कोपा है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो हिंदी में बात करते हैं तो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, जैसे RSCIT भी अगर आपके पास है तो भी आपके पास दूसरी योग्यता होगी, या आपके पास जो सीनियर सेकेंडरी है उसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी स्टेबल बाय इंडियन लॉ, कोई भी आपके पास कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई भी आपके पास डिप्लोमा डिग्री या सर्टिफिकेट है जो कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपने सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी के द्वारा किए तो वो भी चलेगा, और राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT अगर आपके पास है तो भी आपका चलेगा, जो कि वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी करवाती है। और इसके अलावा देख लेते हैं तो आपके विथ कंप्यूटर साइंस 12वीं के अंदर आपके पास अगर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आपका जो है आप इस फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये दोनों योग्यता आपके पास होनी चाहिए। पहली योग्यता हो गई कि आपका के पास मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स होनी चाहिए। दूसरी योग्यता होगी पहले के अंदर ही
या दोनों में से एक होनी चाहिए कि भाई या तो आपके पास मास्टर 2 ईयर की होनी चाहिए या 1 ईयर का कोई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ये एक नंबर योग्यता आपकी होनी चाहिए। 2 नंबर योग्यता आपके पास ये होनी चाहिए कि आपका या तो कोई कंप्यूटर कोर्स किया हो होना चाहिए, या आपने कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपने अगर कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया, जैसे DOESCC हो गया, या फिर आप जिन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कोई डिप्लोमा किए जैसे NIELIT हो गया, या आपने जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा नाम का कोर्स किया है, या आपने DPCS का कोई कोर्स किया है कंप्यूटर के अंदर, या आपके पास क्लास सेकेंड सीनियर सेकेंडरी के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है, या फिर बात कर लेते हैं आपने RSCIT का कोर्स किया है, तो इन सब में से आपने कुछ भी किया है और दोनों एक एक योग्यता यानी 1 नंबर की एक योग्यता और 2 नंबर की एक योग्यता, अगर ये दोनों योग्यता आपके पास है तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन थी। तो आपकी जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप जो है वो मुझे कमेंट में लिखिए, या आप जैसे ही अबाउट के अंदर जाओगे वहां पे मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप पे आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि आपकी बार बार जो इंक्वायरी आ रही थी। इसके अलावा एक इसके अंदर एक प्रॉब्लम आपकी और आएगी, उसका भी मैं जल्द ही वीडियो जो है आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वो है ऑफिस ने एक नया नियम बनाया है, एक नई गाइडलाइन नई, कि आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कैसे किया जाता है ये और कैसे आप करेंगे, तो जो अपने घर पे करना चाहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अपने किसी के पास आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है और आपके घर पे नेट तो सबके घर पे होता है, तो आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं। और आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप जो है वो इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको सबसे पहली जो जरूरत होगी वो आपके आधार नंबर की होगी, और वो आधार नंबर ऐसे नंबर से जुड़ा हो जिसपे आपके OTP आ सके, तो आपको ये देखना होगा। आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको जो कंफ्यूजन थी ISO के बारे में वो दूर होगी होगी। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि एक भर्ती ही ISO की और आई हुई है, वो आई हुई है कृषि विभाग के अंदर, तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें भी अगर फार्म भरना चाहते हैं तो उसके अंदर टोटल पोस्ट जो है वो 18 पोस्ट है, और इसके अंदर जो सेक्शन योग्यता वो है पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अंदर भी वो मास्टर डिग्री चाहिए, किसके अंदर हो सकती है मैथमेटिक्स के अंदर हो सकती है। इसके अंदर एक आसान लाइनों के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा लिख दिया था इसलिए कंफ्यूजन हो गई। इसके अंदर बहुत ही आसान लाइनों के अंदर केवल दो लाइनों के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक लाइन के अंदर कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और MSc इन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फ्रॉम द IAPS इन न्यू दिल्ली। इससे अगर आपने कुछ किया है या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा तो आपको पता ही है वर्किंग नॉलेज इन हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये तो नॉर्मल बात है, चलो कोई बात है नहीं बताने वाली। तो आप चाहें तो ये भी पोस्ट भर सकते हैं। 18 पोस्ट आई हुई पोस्ट ग्रेजुएशन ओवर, इसकी योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में हो सकती है, स्टेटिक्स में हो सकती है, या फिर आपकी MSc हो सकती है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।